गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ओके, दिया हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन में के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, यही ना है क्वेश्चन। चलिए, इसका दिया है क्वेश्चन 3x + y = 1। और दूसरा दिया है 2k - y = 2k + 1 दिया हुआ। देखो सेम क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमने बनाए थे ना वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया है सिर्फ k का मान निकालना था। k का मान निकालने के लिए फिर उसी तरह क्या करेंगे, इक्वल करेंगे a1 / a2, b1 / b2 और c1 / c2। ठीक है, देखो बताए थे कि a1 / a2 और बराबर b1 / b2, अगर ये दोनों अगर बराबर होता है तो कौन हल होता है, संपाती होता है ना जी। और ये b1 / b2 नॉट इक्वल c1 / c2 होता है, ठीक ना। अब देखें, हम बताए थे एक बार भी कि अगर पहले नंबर क्वेश्चन में दिया था कि ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना है कब, जब अद्वितीय हल हो तब। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 / a2 नॉट इक्वल यानी ना बराबर नहीं होता है b1 / b2 का, तब क्या हो सब, तब वो अद्वितीय हल कहलाता है ना जी। अद्वितीय हल कहलाते हैं तब क्या ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना था, लेकिन इसमें नहीं बताया है कि ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना है। ठीक, हम लोग सिंपल जो मानेंगे a1 / a2, b1 / b2 और c1 / c2 माने। ठीक है, तो लेकिन इस रैखिक युग्म का देखेंगे, चलिए यहाँ देखिएगा a1 / a2 करते हैं पहले। ठीक है, a1 / a2, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, x गुना में कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा a2, ये a2 का मान x गुना में कितना है 2k, है कि नहीं, 2k - 1। चलिए उसके बाद b1 y के गुना में कुछ, y के गुना में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 / b1 / b2, तो क्या हो जाएगा 1 / b2 का मान कहता है k - 1, है ना जी, k - 1 है। चलिए उसके बाद हम लोग c1 / c2 करेंगे, c1 / c2 बराबर c का मान कितना है जी, c1 का 1 और c2 का मान 2k + कितना 1 है। ठीक है, और जब देखना ये तीनों आपस में बराबर है क्या, a1 / a2 बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो लिखेंगे इस रैखिक युग्म, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता तो फिर क्या मान हमको मान निकालना है k का, तो सिंपल से बात क्या है, k का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक ना, चलिए ना, तो अब यहाँ देखना a1 / a2 ये हो गया तुम्हारा 3 / 2k - 1 बराबर 1 / k - 1 बराबर 1 / 2k + 1। ठीक है, हम लोग उसी तरह करेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को। ठीक ना, अब क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, फिर क्या करेंगे? बराबर करने के बाद क्या करते हैं, पीछे पीछे गुना करते हैं, है कि नहीं। चलिए ये देखो, पहले हम समीकरण 1 इसको मानेंगे, 1, 2 और 3 भी मान सकते हैं। इस पहले हम करते हैं 3 2k - 1 बराबर 1 / k - कितना जी 1। अब बराबर करने के लिए क्या बताए थे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा तिरछे 3 को k से गुना करेंगे कितना आएगा 3k, अब माइनस से पहले यहाँ माइनस नहीं किया, 3 को 1 से माइनस गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो 2k को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2k, फिर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। ठीक है,
चलिए आप लोग उठा लीजिए तो कर।